इस बार एग्जाम निकालना है, निकालो, फेंको रिजल्ट माँ बाप के चरणों पे यार, कहाँ लगे हो, निकलेगा एग्जाम, पक्की गारंटी है। मेहनत करोगे तो, मेहनत नहीं करोगे तो मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ कि तुम्हारा एग्जाम नहीं निकलेगा। सीटीएस के एग्जाम में सिर्फ 30 दिन का टाइम बचा हुआ है आपका, तो आप ये टाइम वेस्ट मत करिए। नंबर वन, 15 2 30, सिर्फ 15 15 दिन के दो पार्ट बच रखे हैं और सीटीएस का एग्जाम आपके सामने होगा, कुछ टाइम नहीं लगेगा। अभी होली आई, होली गई, काफ़ी फंक्शन चले गए, तो आपको लग ही रहा होगा कि समय बहुत तेज़ बीत रहा है, तो आपको तैयारी भी अपनी अच्छी रखनी है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप कंसिस्टेंट हैं। अगर कंसिस्टेंट नहीं भी हैं तो आपके मन में ये है कि मेरे को एग्ज़ाम निकालना है ना, तो एग्ज़ाम निकलेगा। आपको करना क्या है, नंबर वन, न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ना नहीं है। न्यूज़पेपर इसलिए मैं बोल रहा हूँ छोड़ना नहीं है, क्योंकि इंग्लिश के एग्ज़ाम में कॉम्प्रिहेंशन से 70% क्वेश्चन आते हैं, यानी कि ग्रामर को अगर हटा दो 70% क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन के आते हैं या फिर इंग्लिश रीडिंग के आते हैं, तो वो चीज़ न्यूज़पेपर से ही कवर होगी और एग्ज़ाम आपका इंग्लिश से ही निकलता है, आप कितना पढ़ लो जीएस। इसीलिए न्यूज़पेपर पढ़ना नंबर वन। नंबर टू, प्रैक्टिस तो आपको डेली करनी है। अगर आपने अभी तक का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर एक सॉल्व नहीं करना है तो एग्ज़ाम के दिन आप पछताओगे, क्योंकि अगर आप सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन के पार्ट कर ले रहे हो, अलग से सेक्शन वाइज कर रहे हो, ऐसे नहीं होता यार। पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की आदत डालो, एग्ज़ाम के दिन आपका दिमाग तैयार तभी रह पाएगा जब आप पूरा क्वेश्चन पेपर एक बार में प्रैक्टिस कर पा रहे हो। ये हो गया, तो आपका ग्रामर जो मैंने रूल्स दे रखे हैं आपको, बस उनको रिवाइज करना है। डेली रिवाइज करने के बाद प्रीवियस क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना है 2 घंटे के अंदर। इंग्लिश के लिए दिस इज़ मोर देन सफिशियंट, ठीक है। डेली न्यूज़पेपर रीडिंग, डेली इंग्लिश ग्रामर रिवीजन और डेली प्रीवियस क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस। उसके बाद आपको किसी एक पार्ट में दिक्कत आ रही है तो इंग्लिश विद रानी मैम की वीडियोज़ देखने हैं, आपको पक्का हेल्प मिलेगी। फ्री टाइम पे इंग्लिश विद रानी मैम की वीडियोज़ देखो, बिल्कुल हेल्प मिलेगी उससे। नंबर टू, जीएस के लिए आपको क्या करना है, मैंने आपको बता रखा है कि यूपीएससी में से 2 तरीके से क्वेश्चन पूछता है। नंबर वन, जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पहले पूछ रखा है, जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स स्टैटिक है, उसमें कुछ करंट अफेयर्स से आ नहीं सकता, तो वो वही चीज़ पूछता है कि मोशन का थर्ड लॉ क्या है, अगर हम गन से शूट करते हैं किसी को तो फिर जो रिकॉइल होता है वो कौन सा लॉ इसमें लगता है, या फिर अगर कील को हम दीवार पे हम ठोकते हैं तो कौन सा फ्रिक्शन है, फिर क्या है ना। तो ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से ही आता है, क्योंकि फिजिक्स में नया कुछ नहीं आ सकता ना, स्टैटिक चीज़ जो एनसीईआरटी में आ रही है वो दोबारा रिपीट होती है, तो यूपीएससी अलग तरीके से उसको पूछता है। आप बस ये देखिए कि पहले क्या पूछ रखा है। तो मैंने जो आपको नोट्स दे रखे हैं वहाँ मैंने लिख रखा है एनडीए 2018 में आया है, सीडीएस 21 में आ रखा है, सीएपीएफ 19 में आया है, तो आपको वो क्वेश्चंस वहाँ से पढ़ने हैं, उनको अच्छे से रिवीजन करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, प्रीवियस क्वेश्चन जो पूछ रखे हैं उनको प्रैक्टिस करना है। दैट इज़ हाउ यू गेट द नेक ऑफ द एग्जाम। और फिजिक्स ऐसे तैयार करनी है, जीएस तो आपको ऐसे ही तैयार करना है, ठीक है। और दूसरा तरीका यूपीएससी का ये है कि जो करंट अफेयर्स हैं, जो भी करंट में है उसको न्यूज़ में आता है, वो जो न्यूज़ में आ रहा है वो आपके एग्ज़ाम में आता है। तो जैसे अभी साइक्लोन आ रखा है, ठीक है, यूएसए में, तो आपको साइक्लोन अच्छे से आना चाहिए। अभी वॉल्केनो अभी इरप्ट हुआ था, आपको वॉल्केनो के बारे में पूरा बताना चाहिए, वेंट क्या होता है, क्रेटर क्या होता है, बाकी चीज़ जो भी हैं ना, मैग्मा चैम्बर, लावा, ये सब आपको पता होना चाहिए, बैकुलित लैपुलित, डाइक क्या होता है, स्लिथ क्या होता है, ये चीज़ आपको क्लास 11 की एनसीईआरटी में मिलेगा। तो आपको वो टॉपिक देखना है अच्छा, साइक्लोन न्यूज़ में साइक्लोन ज्योग्राफी से पढ़ना है और उसके क्वेश्चंस लगाने हैं दिशा वाली बुक से, क्योंकि सारे के क्वेश्चंस साइक्लोन की एक जगह आपको मिलेंगे। तो दैट इज़ हाउ यू गेट द एलिवेशन, ठीक है। बाकी लोग भी तैयारी कर रहे हैं लेकिन आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। यूपीएससी में देखो 6-7 लाख लोग एग्ज़ाम बढ़ते हैं एग्ज़ाम, लेकिन सिर्फ 6,000 लोग का एग्ज़ाम निकलता है, लास्ट में 4-5 सौ लोग का निकलता है लास्ट रिकमेंडेशन के बाद। तो आपको कुछ अच्छा करना पड़ेगा, वही रेपिटेशन नहीं करना पड़ेगा जो मतलब सब लोग कर रहे हैं वैसे नहीं, अच्छे से स्मार्टली पढ़ो जो न्यूज़ में चल रहे हैं, एक तो उसको कवर करना है और प्रीवियस क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना है। नंबर टू, जो प्रीवियसली पूछ रखा है उसको पढ़ना है, कहाँ से, नोट से, या अगर आपके खुद के नोट्स हैं खुद के नोट्स से, मेरे नोट्स हैं तो मेरे नोट्स से, वरना एनसीईआरटी बुक से। मैं कहूँगा नोट से पढ़ो इसलिए, या खुद के नोट से पढ़ो इसलिए, क्योंकि आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले पूरी बुक्स नहीं पढ़ सकते रिवीजन करने के लिए, इसलिए नोट बनाना मैंने आपको पहले बता रखा था कैसे बनाना है, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको काफ़ी कुछ बता रखा है, मैं करंट अफेयर्स की दिसंबर की वीडियो मैंने डाल दी है, जनवरी की वीडियो आने वाली है 1-2 दिन में। उसके अलावा पार्ट वन मैंने बता रखा है कौन कौन से टॉपिक न्यूज़ में थे, उनको पढ़ो, वहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। पिछले बार की वीडियोस देख लो और पिछले बार का क्वेश्चन पेपर देख लो, वहाँ से क्वेश्चंस आए रखे हैं। तो मैंने फिजिक्स भी बना रखा है, बायोलॉजी का बनाया है, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इन सब वीडियोज़ बना रखी है। आप पार्ट वन कवर कर लो, पार्ट टू में सिर्फ एक वीडियो लाऊंगा, सारे के सारे उसमें कवर कर लूँगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, ठीक है, पॉलिटी और फिजिक्स, पूरे के पूरे जो और करंट अफेयर्स रहे हैं न्यूज़ में उनको जीएसए कैसे लिंक करना है उसका मैं सिर्फ एक वीडियो लाऊंगा, बहुत जल्दी वो भी आएगा। उसके अलावा फरवरी का भी करंट अफेयर्स का वीडियो आ रहा है, तो आपको ये वीडियोस देखने हैं, यहीं से एग्जाम्स में से डायरेक्टली आता है। मैंने मिलिट्री एक्सरसाइज पे एक वीडियो बना रखा था, आप लोगों ने वो देखा नहीं होगा, तो वो सब देखिए, एग्ज़ाम के लिए ही है वो सब चीज़ सिर्फ, ठीक है। उसके अलावा इंग्लिश में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो इंग्लिश का आप बैच ले सकते हो, आप खुद की प्रैक्टिस भी कर सकते हो घर पर,
मेरा मोटिव इतना है कि आप घर पे बैठ के डेली इंग्लिश के लिए 2 घंटे तो एटलीस्ट दो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के लिए। मैं आपको रिव्यू एक रूटीन बता दे रहा हूँ करना क्या आपको। उठे आप सुबह फ्रेशन अप होके, अगर आप अभी सिर्फ पढ़िए, दौड़ने भागने मत जाइए, अभी सिर्फ पढ़ने का टाइम है, बाकी सब काम आप कर लोगे 1 महीने बाद। तो अभी क्या करना है आपको, आप उठे फ्रेशन अप हुए, आपने न्यूज़पेपर पढ़ा और ग्रामर रूल रिवाइज करे, ठीक है। उसके बाद सीधे आपने करंट ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पकड़ा एक और सॉल्व किया 2 घंटे के अंदर अंदर, देखो कितना टाइम लग रहा है, कौन से क्वेश्चन में पहले कर रहा हूँ, कौन से लास्ट में कर रहा हूँ। सब क्वेश्चन एक ही मार्क्स के होते हैं, मतलब 0.83 मार्क्स के होते हैं, तो उतने मार्क्स आपको हर एक क्वेश्चन करने में लगेगा। तो क्यों पहले टाइम वेस्ट करना है आपको कॉम्प्रिहेंशन है PQRS में या फिर स्पॉट DRS में, अगर आपको टाइम लग रहा है तो जो ईजी मार्क्स हैं जिसमें जल्दी मार्क्स आ रहे हैं उनको पहले अटैम्प्ट करो, जो टफ है उनको लास्ट में अटैम्प्ट करो, ये आपको प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा। तो हमने सॉल्व कर लिया, उसके बाद एनालिसिस करो कहाँ गलती हो रही है, जिस टाइप के क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, जिसके लिए 2 चीज़ करना है, जैसे आपके स्पॉट DRS क्वेश्चन गलत हो रहे हैं या कॉम्प्रिहेंशन है PQRS क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उनकी वीडियोज़ देखनी है इंग्लिश दरानी मैम की, नंबर वन। नंबर टू, वही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, कहीं से मिल जाएंगे आपको, और अलग से प्रैक्टिस करो, ठीक है, उन चीज़ की ज़्यादा, जैसे स्पॉट DRS के गलत हो रहे हैं तो स्पॉट DRS के क्वेश्चन जहाँ से मिले वहाँ प्रैक्टिस करो। अभी लगा दो जोर जितना है यार, 1 महीना बच रखा है, सुबह से लेकर शाम तक पढ़ो। जब मैं तैयारी करता था मैं 8 घंटे पढ़ता था, 6 महीने मैंने 8-8 घंटे पढ़े, लेकिन एग्जाम के टाइम पे मैं 10-10 घंटे 11 घंटे पढ़ने लग गया था, क्योंकि मेरे को पता था 1 महीने बाद तो मैं आराम कर ही लूँगा यार। तो अभी आप ये इंस्टाग्राम छोड़ो, यूट्यूब भी छोड़ो, मैं तो कह रहा हूँ सब कुछ छोड़ दो, लेकिन एग्ज़ाम के पीछे लग जाओ एकदम पागल हो गए, और एग्ज़ाम निकलेगा। आप देख ही रहे हो कितनी बेरोजगारी है यार, कितना कॉम्पिटिशन है, हर इंसान SSC वाला भी आजकल UPSC की तैयारी कर रहा है, मतलब CDSE NDA वगैरह, ठीक है। तो आप ये मत देखो, आप अपने आप को देखो बस, कि मैं पिछले बार से मेरे मार्क्स अगर इतने थे, मेरे को इस बार ज़्यादा लाने हैं, इस बार एग्ज़ाम निकालना है, ठीक है, निकालो, फेंको रिजल्ट तुम आपके चरणों पे यार, कहाँ लगे हो, निकलेगा एग्ज़ाम, पक्की गारंटी है, मेहनत करोगे तो। मेहनत नहीं करोगे तो मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ कि तुम्हारा एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा, लेकिन मेहनत करोगे तो भगवान भी देगा। इसलिए अभी लग जाओ, और जितना हो सके उतना प्रीवियस क्वेश्चन पेपर इंग्लिश के लिए, GS के लिए रिवीजन प्लस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर टॉपिक वाइज करना है, ठीक है। कुछ डाउट हो आपको तो मेरे को आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, क्वेश्चन इस पे कमेंट में पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे मैं डेली MCQ फ्री सीरीज ला रहा हूँ, डेली मैं MCQ क्वेश्चन भेजता हूँ, डेली इन्फोग्राफिक भेजता हूँ, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे हमको, वहाँ से कवर करो उनको, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे डेली प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और उसके शॉर्ट्स दिखाता हूँ मैं, वहाँ भी फॉलो कर सकते हो। तो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू, ऑल द वेरी बेस्ट, मेहनत करो, जय हिंद।